हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो हम लोग एक छोटी सी ट्रिक कवर करेंगे, हाउ टू सॉल्व अ पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल से करते हैं। पैरेलल सर्किट आई होप सबको पता है, व्हाट इज अ पैरेलल सर्किट? इन विच टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम वोल्टेज। चलिए लेते हैं, ये टू और मोर भी ले लेते हैं, चलो कनेक्टेड अक्रॉस सेम वोल्टेज। ठीक है, अब अक्सर हम क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं और वो सब लंबा प्रोसेस होता है। चलो इसके फंडामेंटल्स पे जाते हैं। फंडामेंटल क्या बोलता है कि टू और मोर रेजिस्टर्स कनेक्टेड अक्रॉस अ कॉमन वोल्टेज, दैट मीन्स ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इज गेटिंग द कॉमन वोल्टेज, राइट? तो अगर मेरा सवाल है कि मुझे तीनों ब्रांच में करंट बताओ, फाइंड द करंट इन ऑल द थ्री ब्रांचेस, दैट्स अ क्वेश्चन। सो यूजिंग द कॉमन सेंस दैट द सेम वोल्टेज गिवन टू ऑल द रेजिस्टेंस, ब्रेक द बिगर सर्किट इनटू स्मॉलर सर्किट्स बिकॉज ईच ऑफ देम इज गेटिंग द सेम वोल्टेज। तो ये पहला सर्किट बना, ये दूसरा सर्किट बना, राइट, और एक और तीसरा सर्किट बन गया। ठीक है, नाउ इज इट इजी? यस, इट्स अ वेरी इजी पार्ट। इसका आई वन कितना हो जाएगा? आई, बोलो आई क्या होता है? वी बाय आर, वी बाय आर। ये देखो 6 3 6 आई थिंक करेक्ट। इसका आई टू ले लेते हैं, वी बाय आर विच इज 3 एम्पियर। आई थ्री ले लेते हैं, वी बाय आर विच इज 9 एम्पियर। सो टोटल करंट देखो कितना आया, 9 + 3 = 12 + 6 = 18 एम्पियर। ठीक है, इंडिविजुअल करंट फटाफट निकल गया। अदरवाइज आपको क्या करना होता था, पूरा इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट इज 1/3 + 1/6 + 1/2 = 1/R पैरेलल। और फिर एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या है, 6 3 = 18 इज द एलसीएम। इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 6 + 2 + 9 is 1/R parallel। तो यहां से आपके पास R parallel कितना आता है, 1 ohm। R parallel 1 ohm का मतलब इसको हमने रिड्यूस किया सिंगल सर्किट में हुज रेजिस्टेंस वाज 1 ohm कनेक्टेड अक्रॉस 18 volt। तो यहां पे देखो करंट इज V/R, आंसर इज 18 एम्पियर। या तो आप यहां से पहले 18 एम्पियर निकालिए और फिर करंट को डिस्ट्रीब्यूट करिए, या फिर चुपचाप इंडिविजुअल सर्किट बना लीजिए और सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है ना, मैंने आपको बहुत स्कैटर्ड तरीके से दिखाया, बहुत एक सिंपल एग्जांपल से दिखाया। कई बार इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में यही क्वेश्चन के आगे एक दो रेजिस्टेंस और बना देंगे, द सर्किट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड अ पैरेलल। तो आप सबको तो पता ही है, जब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो क्या करते हैं, हम पैरेलल वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, उसका वोल्टेज निकालते हैं, फिर उसको इस तरीके से वापस सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आपको बताता हूँ। आई होप दिस हैव हेल्प्ड यू। थैंक यू।